आप बताइए कि जब से नरेंद्र मोदी जी साहब आए हैं, 5 साल में किसी जगह पर धमाका हुआ? कांग्रेस के हजार में हम जैसे लोगों को जो है उग्रवादी नक्सल लोग देख रहे थे, हम शर्म से गिर रहे थे। जब से आए बस स्टैंड में आज तो प्रचार होता था कि कोई ना मिले, रेलवे स्टेशनों में कोई बैग रखे तो डर होता था। आज कहाँ चले गए वो ऐलानात? आज सब बंद हो गए, मुल्क अमन पर चल रहा है। आप ये जो कांग्रेस ने जो है इसको कोई ना दुख है ना कोई उनको कोई पहचान है। एक माँ आई उधर से और बेटा राजनीति में बना और उनको क्या दुख है? एक बेचारा गरीब जो प्लेटफॉर्म से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक गया तो उसको मालूम है कि इंसान का दुख क्या होता है। माँ को देखा तड़पती हुई, माँ को देखा बिजली जो नार होने पर, माँ को चूल्हा भूखती हुई देखा तो पूरा गरीब महिला याद आई। तो जितने मालदार थे सबको कह दिया कि आप अपने जो है सब्सिडी को छोड़ दो, सबने छोड़ दिया, गरीबों का हक दिला दिया। ये होती है राजनीति, ये होता है दर्द कौम का, ये होता है उसके अंदर का दुख। तो उन लोगों को अंदर आने की वजह से आज ये देश को इतने सबका साथ लेकर चला है। तो मैं तमाम भारत के देश के इस कर्नूल की सरजमीन से मैं आपको दावत देता हूँ कि आप तमाम जहनों से ये बातों को निकाल दो कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। जो है अल्लाह गवाह कोई खिलाफ नहीं है, सब जो है मुआफ़िकत है और सबके साथ सबके विकास का जो लिए है। मोदी जी का दूसरा जो नारा आने वाला है कि मोहब्बत को देश में बढ़ाओ और गरीबों को देश से हटाओ, बस यही उनका नारा है। तो इसी दर्द को लेकर आज हम जो है मोदी साहब चलते हैं, हर साथ उनके कदम में कदम मिलाए, उनकी हिम्मत अफजाई करे, अपना वोट देकर उनको फिर दूसरे और एक मरतबा फिर से मोदी सरकार मना कर रहेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हम दुआएं भी करेंगे, इनके लिए कोशिश भी करेंगे। हर मुसलमान भाई और बहन से मैं गुजारिश करता हूँ, हर भारत के हर वासी से कहता हूँ कि आप इन गली पार्टियों को छोड़ दो जो चंदा बाबू की है। ये क्या करेंगे? ये बेचारे यहाँ से वोट लेंगे और दिल्ली में ले जाकर बेच देंगे। यहाँ भी बीजेपी आएगी, सरकार में बीजेपी आएगी, तो फिर राष्ट्र नूरन अला नूर हो जाएगा, चमक जाएगा और इसका उजाला जो है बहुत दूर तक पहुँचेगा। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि फिर से एक बार हमारे नरेंद्र मोदी सबको जो है ये मौका देकर सब उनको शुक्रिया का मौका अता फरमाए। मोदी से इतना घबरा क्यों रहा? ये घबराहट क्यों है? ये सोच रहे हैं कि जो अच्छा मुसलमान है वो हिंदुस्तान में रहेगा और जो आतंकवाद मुसलमान है वो पाकिस्तान चल रहा है। और हमने तो चिट्ठी लिखा है कि मोदी जी जो आतंकवाद मुसलमान है उसको कब्रिस्तान जाना चाहिए, वो पाकिस्तान में भी रहने की जगह नहीं मिलना चाहिए। और आप सब चौकीदार नजर आते हैं, मोदी ही मोदी नजर आते हैं, मुझे कोई दूसरा दल नजर नहीं आते। इसलिए ये छाप को ऐसा मानिएगा 18 तारीख को कि मोदी जी फिर बम गिरा सके पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों का धजिया उड़ा सके और कब्रिस्तान आतंकवाद ला सके। तो यही कहकर के मेरे दोस्त हम यही कहेंगे कि ये सब मोदी ही मोदी नजर आते हैं, दूसरा दल नजर नहीं आते हैं। सरकार मोदी की सरकार पक्का हो गया, 100% डंके की चोट पर गठबंधन आ गया। अल्लाह ने तय कर दिया, राजा जो है वो अल्लाह इंतखाब करते हैं, पहले भी अल्लाह ने उनको जो है इंतखाब किया था, अब फिर इंतखाब कर दिया। पूरे देश की जितने भी लोग गंदी जहनियत के हैं वो पूरी कोशिश कर ले, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी फिर एक बार जो है, और मैं खास तौर से आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चोर कहने का काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक शेर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। झूठ और फरेब की राजनीति से निकलकर मुसलमान बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 30% से लेकर 35% मुसलमानों का वोट मिलने जा रहा है। तो जो लोग मोदी जी को चोर कहते हैं उनको मेरा कहना, उस युवराज को और युवराज के चेलों को, तू जो बद जुबान बोलता है तेरे जबान से तेरा खानदान बोलता है, तेरी जबान पे पाकिस्तानी चर्चा है और मेरी जबान से हिंदुस्तान बोलता है। ये उन लोगों को सिंचानी है, और आज हम बहुत भारी मतों से जीतना चाह रहे हैं और सहारनपुर की जो जीत होगी उसमें मुसलमानों की भागीदारी निश्चित रूप से होगी। अरे एक छोटा सा सवाल है सर, अब की बार पिछली बार तो 73 था, अब की बार क्या होगा? रिकॉर्ड तोड़ बहुमत। देखिए पहले हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगे थे, अब हम नरेंद्र मोदी जी के काम पर वोट मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसी सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी
अगर नरेंद्र मोदी नहीं जीते। अच्छा जी भैया, हम चाहते हैं कि इस साल भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया हमारे साथ में, हमारे जो है बच्चों के साथ में भी बहुत अच्छा विकास चल रहा है, और हम चाहते हैं हम साथ हैं मोदी जी के, और मोदी जी की सरकार आए। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी पूरा साथ। 400 सीटें आएंगी, 400 सीटें मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी नेता ही नहीं है, वे तो हमारे पूरे हीरो हैं मुसलमानों के, और जीतेंगे और जीत के रहेंगे। नहीं, हम ही झेर खा के मर जाएंगे। चांद देवी जुबैरी नदीम कॉलोनी से 66 से शरत रख ली, अगर हमारे नरेंद्र मोदी नहीं जीते हम आत्महत्या कर लेंगे। फानूस बन के हवा जिसकी हिफाजत करे, वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन मोदी करे। आज से 40 जब से अंग्रेजों का राजा है, अंग्रेजों का राज बदलने के लिए एक पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतना हमारे गुलाम देश को अपनी कैसी अपनी खत्म कही और अपनी बातों चलाने का बहुत बड़ा संघर्ष किया है। हम मोदी सरकार इंटरनेशनल नेता नरेंद्र मोदी जी, पूरी दुनिया को झुका दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, प्यार के साथ जिता दिया। नरेंद्र मोदी कोई वो नहीं है, अच्छे इंसान है, लेडीजों को इज्जत से रहने का हक मिल गया है, किसी सरकार में नहीं मिला। आप ये देखिए 37-38 सीट पे खड़े होने वाले प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। 37 सीट पे सपा खड़ी है, 22 आदमी उसके खुद के परिवार के खड़े हैं और कहते हैं हम देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। और आप देखिए कि किस कदर पूरा देश भारत के साथ खड़ा है, लेकिन हमारे घर के ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं। ये देश के दुश्मन है, नहीं है तो क्या है? और ये क्या लगता है, सच में देश के दुश्मन है क्या गठबंधन? बिल्कुल पक्का 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 दुश्मन है गठबंधन, बिल्कुल पक्का है। गठबंधन नहीं है, गठबंधन है, जनता को तोड़ने का गठबंधन है। गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। नरेंद्र मोदी बहुमत सरकार से फिर आने वाले हैं, और भारतीय जनता नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और हम मोदी जी के साथ हैं। कितने भी दुश्मन खड़े हो जाए उसे भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऊपर वाले फरिश्ते से अपनी जान देंगे, मोदी जी को जिताएंगे और प्यार के साथ जिताएंगे। गठबंधन से नहीं, ना गठबंधन से, प्यार से आएंगे, जैसे मोदी जी प्यार से आते हैं। हाजी क्या लगता है, किसे वोट दोगे? नरेंद्र मोदी को। पक्का हो गया मोदी? पक्का हो गया, पक्का हो गया जी, मोदी का वोट। मोदी मोदी मोदी, पक्का है मोदी? पक्का वोट मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पक्का है? पक्का है, लगा दी स्टैंप, लगा दी पक्का नरेंद्र मोदी। हाजी बताओ जी। भाई मोदी तो ना काम बढ़िया कर रखे, सब सारे टोट लिए डब्बा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ मोदी का पक्का है भाई, पक्का है, पक्का है, पक्का है। जहाँ विकास है वहाँ मोदी है। अच्छा। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाएगा और इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी कामयाब होंगे, बिल्कुल पक्का। भाई हम तो नुकाए एक डब्बा टोटली है, टोटली। हाँ अब की बार फिर से मोदी की सरकार होगी भाई, अब की बार। हाँ भाई टोटल भाई मोदी की सरकार, भाई नहीं भाई मोदी की सरकार है अब की बार। भाई मोदी को वोट नहीं देंगे, सबके गरीब आदमी क्या है ना पैसे खर्चे मारे, मकानों के भी 2.5 लाख दे रही सरकार। दमंग लोग है ना, दमंग लोग, इनकी टांग टूट गई, ये नु सोच ले और ठगबंधन कर लो, हटका था ठगबंधन था, चोर बाजारी चल जाएगी, और चोर बाजारी नरेंद्र मोदी चल नहीं देने का। गरीब आदमी को सीधा सीधा लाभ मिल रहा भाई, मकान मिल ले और भाई गैस के सिलेंडर मिल ले, और 5 किलो अनाज दे रही है सरकार हर आदमी को, सब चीज मिल रही, सब चीज, और सबका साथ और सबका विकास, ना हिंदू ना मुसलमान। बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर हमने दो ही आदमी को देखा है, एक देश के ऊपर अब्दुल कलाम जी ने जो देश के ऊपर मारा था, उसके लिए कांग्रेस ने आवाज गलत उठाया था, और उसी तरीके मोदी ने प्रधानमंत्री जो बना है वो देश के लिए करा है, और 40% सुधार हुआ है। हम तो ये सोचते हैं ये जितने आवाज उठाने सारे चोर हैं, दोबारा उसी को लाओ, ये हमारी आवाज है। हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। अगर हमारे अंदर मौत होगा तो हम मर जाएंगे, मगर हम किसी से नहीं डरते। सर अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम इरशाद है, हम बिहार के रहने वाले हैं। इरशाद जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये तमाम तरह के विपक्ष सवाल उठाता है, राफेल में कुछ घोटाला हुआ, आतंकवाद के ऊपर मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई, आपको लगता है वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं इसलिए बता रहे हैं, देखिए घोटाला बात जो हुआ है, घोटाला जो है हमारे देश के अंदर
भ्रष्टाचार जो है, जब मोदी जी बाहर घूमते थे तो हम इसके लिए, जब अन्ना हजारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया था तो हम इसी चीज के बारे में साइकिल देख सकते, गली गली घूमते हैं। हमने ये आवाज उठाया है कि आज जो हमारे देश के अंदर है, जहां सरकारी मुआवजा बढ़ता है वहां भ्रष्टाचार है। और जिन आवाज, जो नोट का नाकाबंदी हुआ था, जिन आवाज उठाया था 35% जो बंदा था उसके पास काला धन, जो हम जैसे गरीब का पैसे को लेकर वो घूमता था, वो सबसे बड़ा चोर है। और कांग्रेस का आज भी कोई भी अफसर है वो साला चोर है, हम बता रहे हैं। हम इसलिए कहते हैं आज हमारे गांव के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, आज बेटी अपनी माँ, उसकी माँ कहती है बेटी शादी तेरी कब होगा, बेटा बाप बेटा को पूछता है बेटा तेरी शादी कब होगा। आज पार्क के अंदर तुम जाके देखो क्या हालात हो रही है, हमारे कनॉट प्लेस, हमारे बम्बई, दिल्ली के अंदर क्या हालात। हम इसलिए कहना चाहते हैं जो अच्छा इंसान होता है उसको भारत में नहीं माना जाता है जी। उसको चोर साबित किया जाता है। अगर आप कोई लेटर भेजिएगा अभी राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास, आप अच्छे दिल के इंसान हो गए तो आपको गलत साबित करके बताएगा वो, ये गलत होगा। मगर हमारे कहने का मतलब ये है कि भारत का भ्रष्टाचार एक ही बहर खत्म होगा, कांग्रेस को आने मत दो। हमारे बच्चे बिगड़ गए, नशा मुक्ति हो गए, भारत को नशे में कर दिया। आज 1 किलोमीटर ठेके के अंदर 10 शराब का ठेका है। 20 साल पहले बताओ मुझे कितने ठेका था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कोई भी कांग्रेस का नेता हो वो मेरे सामने आवाज उठा के देखे। आपको लगता है वाकई में 2014 में जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए हैं आपके लिए? अच्छे दिन आएगा, कैसे आएगा? भ्रष्टाचार इतना है कि मोदी कहाँ तुलुक संभालेगा। 60-65 साल का बिगड़ा हुआ शहर को पढ़े लिखे वो कहते तुम मोबाइल चलाओ, मोबाइल तुम देख कर गुमराह हो जाते हो, गुमराह किया जाता है। अब गुमराह मत हुओ, मैं कहता हूँ जामा मस्जिद के जीने के सामने अगर जिसके पास औलाद होगा वो मोदी को वोट देगा दोबारा लाओ, उसको देखेंगे कि वो क्या करता है हमारे साथ। हमको एक दिन मरना है, हम अल्लाह से डरते हैं इंसान, मैं कह रहा हूँ। लेकिन जी पार्टी है समाजवादी है या बसपा है जी, कुछ भी नहीं कर पाई, आज बहुत आगे निकल गई भारतीय जनता पार्टी। अगर एकजुट हो जाते हैं तो अब भी कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत ताकत में आ गया है आज। आज बहुत ताकत में आ गए थे, पीछे लाना बड़ा मुश्किल है। पहले तो सबका विकास सबका साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ऐसा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मेहतर हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो धानुक हो। अभी आप फोन करिए पुलिस ही पुलिस यहाँ होगी। और सरकारों में ऐसा नहीं होता, हमारा आदमी बैठ जाओ तुम्हारा आदमी छोड़ दो। बीजेपी सरकार में एक ऐसा शासन चला रही है जाने के बाद पब्लिक याद रखेगी कि कोई सरकार आई थी। पहले तो हम चाहते थे जाए नहीं, और ये चली भी गई क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अगर जाती है तो ये लोग याद रखेंगे 20 साल की सरकार कोई थी। मोदी जो भी करते हैं जनता के लिए पब्लिक के लिए नहीं अच्छा लगता हर आदमी को हर बात। मेरा होटल है, मैं 10 सब्जियां बनाता हूँ, 200 ग्राहक आते हैं, किसी को कलेजी पसंद है, किसी को भेजा पसंद है, किसी को पाया पसंद है, जरूरी थोड़ी सारे आइटम सभी को पसंद हूँ। हर आदमी का अलग अलग दिमाग है, अलग अलग चाल। तो ये जरूरी नहीं है कि मोदी जी को हर आदमी को मोदी जी अच्छे लगे या योगी जी, हमें दोनों लोग पसंद है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, ना अभी दंगा ना फसाद, ये बिल्कुल बेकार है, ये तो बस नूरा कुश्ती है, गठबंधन कुछ नहीं है। अच्छा बताइए मेरी बात एक, आप लोग मुलायम सिंह नेता हैं, नेता रहेंगे, लेकिन अखिलेश साहब 5 साल सरकार नहीं है, सड़कों पे आए इटावा आए कहाँ आ रहे। अरे भाई सरकार नहीं है, लोगों से संपर्क करो। बीजेपी बहुत ताकत में है भाई, अमित भाई बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई, झंडा पीछे लिए रह जाएंगे, विश्वास करो मेरी बात का। ये तो कहीं आए दाएं भाई नहीं, जैसे हाथी एक निकलता है तो तमाम पैर में जुड़ जाए, टांग नहीं उठा पाएंगे। ये ताकत है आज, ये मोदी साहब इतना आगे बढ़ गए ने, अब पीछे लगना बड़ा मुश्किल है। 100% बीजेपी 2019 में भी जीतेगी, ऐलानिया कह रहा हूँ मैं, ऐलानिया कह रहा हूँ, मेरी बोटी बोटी करा देना अगर बीजेपी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप,
मुझे पश्चिमी यूपी की जिन सीटों पर हार जीत का फैसला मुसलमान करते हैं उसके हर पोलिंग बूथ पर बुरका नशी महिलाओं से लेकर मुस्लिम वोटरों की लंबी लंबी कतारें कौन सा संदेश दे रही हैं। आज मोदी और मुसलमान के नए एपिसोड में राजनीति की इस अबूझ पहेली का रहस्य खुलने वाला है। पहले फेज में मुसलमानों की ये बंपर वोटिंग क्या कहती है? क्या मुसलमान वोटर इस बार कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहा है? इसी मुस्लिम वोट क्रांति को समझने हम अलीगढ़ पहुंचे, जहां 2014 में नरेंद्र मोदी मुसलमानों की पहली पसंद बने थे। क्या वो लहर आज भी है या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना विवाद के बाद मुसलमानों का मूड बदल गया है? ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। मजाज का लिखा ये तराना आज अलीगढ़ ही नहीं पूरी दुनिया में गूंज रहा है। हिंदुस्तान अगर एक दुल्हन है तो हिंदू और मुसलमान उसकी दो खूबसूरत आंखें हैं। सर सैयद अहमद खान ने इस ख्याल के साथ 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। 1920 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और दिलचस्प बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहला ग्रेजुएट कोई मुसलमान नहीं बल्कि ईश्वरी प्रसाद हुए। अलीगढ़ में करीब 25% मुसलमान हैं। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद सतीश गौतम पर एक बार फिर से भरोसा किया है तो गठबंधन की तरफ से डॉक्टर अजीत बालियान मैदान में है। कांग्रेस ने चौधरी बिजेंद्र सिंह को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणी करने की कोशिश की है, लेकिन अलीगढ़ के मुसलमानों को तय करना है कि वो यहाँ से संसद किसे पहुँचाएंगे। इस बार 50,000 नए वोटर अलीगढ़ में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन हवा किसकी है? राष्ट्रवाद के रथ पर सवार बीजेपी की या खुद को मुसलमान वोट का स्वयंभू ठेकेदार समझने वाले महागठबंधन और कांग्रेस की? ये समझने हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, जो सियासत के सेंटर में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में कई विवाद भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े। एक बात जो बहुत ज्यादा बाहर कही जाती है कि यहाँ पढ़ने वाले जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उन्हें यहाँ पर परेशानी होती है। गजल ये बातें बाहर होती हैं, भाई आप जो हैं अपने जो हिंदू कलीग्स हैं आपके छात्र जो यहाँ पढ़ते हैं वो परेशान होते हैं आप लोगों की वजह से, ऐसा क्या करते हैं आप लोग? देखिए ऐसा तो नहीं है। पहली चीज तो ये है कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे माइनॉरिटी बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है। आप तो शायद स्टूडेंट्स यूनियन में भी रही हैं? जी, और ये जो चीज है यहाँ पे इनके हक की आवाजें आप उठाती हैं? जी बिल्कुल, आप लोगों की इनसे बात हुई है, उन्होंने खुद बताया कि हम लोग जितना मुस्लिम्स के लिए बोलते हैं उतना नॉन मुस्लिम्स के लिए भी बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक जो सरकार कह सकते हैं या जो लोग हुकूमत में इस वक्त बैठे हुए हैं उन लोगों की आंखों में इंस्टीट्यूशन खटकता है। भावना, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से लगा हो कि आप यहाँ करके मुसलमान छात्रों के बीच परेशान हो रही हैं? नहीं, मुझे आज तक ऐसे कभी लगा नहीं है क्योंकि मैं 4 साल से यहाँ पढ़ रही हूँ, एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई और काफी हम लोग काफी फ्रेंडशिप और भाईचारे के साथ ही रहते हैं। पर अब जरा सा सियासत पर आ जाते हैं, आप सब लोगों के वोट आ चुके हैं। जी, 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 तो गिरीश इस बार जैसे कि गजाला कह रही थी कि कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में ये इंस्टीट्यूशन खटक रहा है, तो वो कौन लोग हैं और इस बार क्या उनके खिलाफ अलीगढ़ वोट करेगा? सर ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये राजनीति है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं है कि कब कौन किसको वोट डालने वाला है। यहाँ एक बोर्ड इस तरफ लेफ्ट में लगा नजर आ रहा, बाबर दिखाएंगे, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद के ठीक पहले इस ये जो दिख रहा है हमें, इसका क्या मतलब है? सर ये तो एक तरह का प्रचार किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पर आतंकवादियों को लिख करके क्या कोई मैसेज भी दे रहे हैं क्या? सर हो सकता है गवर्नमेंट देना चाह रही हो मैसेज, गवर्नमेंट ये भी बताना चाह रही हो कि भाई हमें वोट करो, एएमयू के आगे लगाया है बोर्ड, हम इस चीजों को रिलेट नहीं कर सकते, हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो। गिरीश आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी अलीगढ़ का हूँ। कौन जीत रहा आपके हिसाब से? बीजेपी ही जीतेगी इस बार भी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं डॉक्टर अजीत बालियान निकाल ले जाएंगे। देखिए कह नहीं सकते, लेकिन ये अलीगढ़ जो है वो बीजेपी का गढ़ है, तो मैं तो यही मानूंगा कि बीजेपी ही जीतेगी। आप कहाँ की हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ की हैं, तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा गजाला? मेरे ख्याल से मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ एग्जैक्टली कि कौन जीतेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जनता को बेसिकली यूथ को बहुत टैक्टिकल वोटिंग करनी चाहिए। तो अलीगढ़ आमतौर से जो विवाद एमयू को लेकर के हुआ उसको लेकर के सतीश गौतम से नाराज है?
बिल्कुल नाराज है। गिरीश, विकास कैसा हुआ है? बस आखिरी सर, विकास बहुत अच्छा हुआ है इस समय। मैं तो ये देखना, ये देखा, मतलब आप कह रहे हैं कि सतीश गौतम ने काफी काम किया? जी, सतीश गौतम ने भी काम, कुछ और नहीं, सतीश गौतम ने भी काम किया है और बीजेपी ने ज्यादा काम किया है। भावना, ये बताएं कि पिछले वक्त में जिन्ना का नाम भी बहुत उछाला गया, तो एक फोटो यहाँ लगी हुई है उसको लेकर के सारी बातें हुई, आपको लगता है कि गैर जरूरी विवाद था, इसकी कोई जरूरत नहीं है? हाँ, ये गैर जरूरी तो नहीं कह सकते बट हम, लेकिन ये था कि ये जो भी मसला जो हुआ था यहाँ वो काफी टाइम तक चला था और इसके बाद काफी इश्यूज भी उठे थे। वैसे पढ़ाई का भी नुकसान हुआ? पढ़ाई का भी नुकसान हुआ था, काफी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली थी यहाँ, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पर काफी इफेक्ट पड़ा था। क्या जिन्ना वाले इश्यू पर जो यहाँ का स्टूडेंट्स है उसमें भी आपस में अलग अलग बिखराव था उस वक्त? बिल्कुल बिखराव तो था मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि ये एक इशू नहीं था। देखिए, हम जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, हम गांधी को भी पढ़ेंगे, हम सावरकर को भी पढ़ेंगे। हमारी लाइब्रेरी में गोडसे की लिखी हुई किताब भी होगी, गांधी की लिखी हुई किताब भी होगी। हमारे यहाँ जिन्ना का पोर्ट्रेट भी टंगा हुआ है, हमारे यहाँ गांधी का पोर्ट्रेट भी टंगा हुआ है। तो कोई हमसे बेसिस ये नहीं कह सकता कि आप जिन्ना का पोर्ट्रेट हटाएंगे। जिन्ना का पोर्ट्रेट तो बहुत जगह लगा हुआ है हिंदुस्तान में, अगर हटवाना शुरू करें तो आप दिल्ली से शुरू करिए, हम सबसे पहले उतारेंगे। हम किस बेसिस पे उनकी पिक्चर हटा दें जस्ट बिकॉज वो एक पॉलिटिकल स्टंट है? उस चीज को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग। गिरीश, अक्षय, आदित्य, आप लोगों को लगता है कि जिन्ना की तस्वीर हट जानी चाहिए? सर बिल्कुल हट जानी चाहिए, हमें लगता है हट जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हटनी चाहिए। हम यही दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, आप कामयाब हों, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें और यहाँ पर जो आप लोगों के बीच भाईचारगी है वो ऐसे ही बनी रहे। तो ये है एमयू की असल तस्वीर जो हमने आपको दिखाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दो छात्र खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए, तो हामिद अंसारी यहीं से पढ़कर निकले और दो दो बार उपराष्ट्रपति बने। साहब सिंह वर्मा यहां से जाने के बाद बीजेपी के नेता हुए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा महाभारत की पटकथा लिखने वाले डॉक्टर राही मासूम रजा यहीं से पढ़े, शहरयार और ऐसे ही न जाने कितने नाम जो यहां से पढ़कर गए जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। जावेद अख्तर ने भी यहीं से पढ़ाई की, लेकिन पिछले कुछ वक्त से एएमयू विवादों में भी रही है, कभी जिन्ना तो कभी एएमयू का मुस्लिम कैरेक्टर और कभी गैर मुस्लिम छात्रों के साथ भेदभाव के इल्जाम भी एएमयू पर लगते रहे। 2014 के चुनाव में अलीगढ़ में 59% मतदान हुआ था और बीजेपी के मौजूदा सांसद सतीश गौतम ने 48% वोटों के साथ एक तरफा जीत हासिल की थी। हालांकि आजादी के बाद हुए 16 लोकसभा चुनावों में यहां के मुसलमानों ने 8 बार गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी दलों का साथ दिया, 3 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी को मौका दिया, लेकिन इस बार चाय पर छिड़ी मुस्लिम छात्रों की तकदीर से क्या निकलेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की वजह से यहाँ के चाय के ढाबे हमेशा गुलजार रहते हैं। शमशाद का ये पूरा इलाका, यहाँ पर सैकड़ों चाय के ढाबे हैं और यहाँ पर हर वक्त आपको छात्रों की बड़ी तादाद नजर आएगी। बहुत सारे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफान है। आप अलीगढ़ के ही हैं? जी, मैं अलीगढ़ से हूं यहाँ के। अच्छा, तो क्या है अलीगढ़ के इश्यूज वोट करने से पहले? अलीगढ़ के बहुत से इश्यूज हैं। अलीगढ़ का सबसे बड़ा इश्यूज है यहाँ पे जितने भी तालिबे इल्म हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ के लिए, तो उन्हें जॉब अवेलेबल हों कम से कम। और दूसरा, यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, हर बार पिछले जो एमपी हैं सतीश गौतम साहब उनके आने के बाद यहाँ इस तरह का हिंदू मुस्लिम में आपस में क्राइसिस हो चुके हैं जिसमें आपस की मोहब्बत खत्म हो चुकी है। आपका नाम क्या है? आदिल। आप भी यहीं अलीगढ़ के? जी, अलीगढ़ के। जी, तो आपके एतबार से इस बार इलेक्शन में जिन्ना कहीं है क्या? मेरे एतबार से नहीं, जिन्ना तो कहीं नहीं है। यहाँ का तो यूथ है वो ये चाहता है कि कोई ऐसा लीडर आए जो किसी सही, हमारे मुस्तकबिल सही इंसान को चूज करे। आपका नाम क्या है? वसीम। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से गठबंधन जीत रही है। मेरा नाम मोहम्मद सोले खान है। अच्छा, तो आपके यहाँ से इस बार सोले अलीगढ़ से, क्या कोई कंफ्यूजन है मुसलमानों को या मुसलमान बिल्कुल क्लियर है कि उसे किसे वोट? नहीं, मुसलमानों का तो अब तो और ज्यादा क्लियर हो गया है क्योंकि मुसलमानों ने अब जो 5 साल में मोदी गवर्नमेंट ने किया है उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम मुसलमानों ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन अब खुल के उसको सपोर्ट नहीं करना है। अब हम चाय के ढाबे पे, तो जरा चाय बनाने वाले साहब से ही बात कर लीजिए। क्या नाम है आपका? अबरार। जीत कौन रहा आपके शहर से इस बार? तो कांग्रेस का चांसेस है। अच्छा, चौधरी विजेंद्र सिंह जीत रहे हैं? हाँ, वही हाथ मार। बहुत सारे आपके भाई लोग कह रहे हैं कि गठबंधन जीतेगा यहाँ से। हो सकता है, जैसे चांसेस होने के बनने हमारे हिसाब से। आपका नाम क्या है? नाजिम। जीत कौन रहा आपके यहाँ से? वही चौधरी विजेंद्र सिंह का है। और अजीत बालियान का क्या होगा फिर?
अजीत वालियान को कोई जानता भी नहीं है। ये जानना भी जरूरी था कि जिस अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में मशहूर हैं, वहाँ के कारखानों में काम करने वाले मुस्लिम कारीगरों को हवा का रुख किधर दिख रहा है। अलीगढ़ अपने तालों के लिए मशहूर रहा है, यहाँ बाकायदा एक ताला नगरी है, लेकिन आज के वक्त में ताले के अलावा हार्डवेयर के से जुड़े बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी अलीगढ़ में तैयार किए जाते हैं। ये आप देखिए, ये मॉर्टिस लॉक की हैंडल है जो यहाँ इस वक्त तैयार की जा रही है, इस पर पॉलिशिंग का काम इस वक्त चल रहा है। क्या नाम है आपका सर? कमरुद्दीन। दिन भर में कितना कमा लेते हैं कमरुद्दीन? 400-500 रुपये। 400-500 रुपये। अच्छा, कैसा काम चल रहा है? साल भर में 12 मास काम मिल जाता है? हाँ। अच्छा, अब जब वोट देने का मौसम आ गया है तो कमरुद्दीन कैसे वोट करेंगे जाकर? कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? मोदी। मोदी जीत रहे हैं। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं गठबंधन से अजीत बालियान है वो जीतेंगे। कोई गठबंधन नहीं है। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? ये बीजेपी निकल रही है हमारी। मोदी जीत रहे हैं आपके यहाँ से? जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जिस काम को कर रहे हैं इसमें डस्ट बहुत उड़ रही है, ये सब मेटल की डस्ट है, ये सांस के जरिए आपके फेफड़ों में जाती है, तो मोदी जी वाला हेल्थ कार्ड बना है आपका? हाँ, बन चुका। हेल्थ कार्ड बन गया? हाँ, बन गया। उसका कोई फायदा मिला अभी तक? बहुत लोगों ने उसका बहुत फायदा मिला हमें। गेम बनाएगा नेम की तर्ज पर मोदी के काम का डंका तो बज रहा है, लेकिन इससे वोट मिलेंगे क्या? जब चुनाव का मौसम है तो वोट भी देने का मन बना लिया होगा। कौन जीत रहा आपके यहाँ से? जी, हमारे यहाँ से यूपी से तो बीजेपी है, मोदी जी है। भूल पे ही लोग तो कहते हैं कि मुसलमान मोदी जी को वोट नहीं करते। हाँ, ऐसा होता है, कुछ लोग नहीं डालते, कुछ डालते हैं, मगर हम तो डालेंगे। भूल ऐसा क्या मिला आपको? नहीं, आपके जो है, आपके मोदी जी आए हैं तो बहुत सुविधा मिली है आपके। क्या मिला आपको ऐसा? गैस मिली है, लाइट मिली है। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिला आपको? जी, इनको मिली है गैस। आप अपनी बात बताइए। मुझे नहीं मिला, मगर यह फिर भी बहुत चीज। फिर भी आप खुश हैं? हाँ। कौन जीत रहा है अलीगढ़ में? देखो, हमें जीतने हमें तो ये है कि बीजेपी की उम्मीद है हमें तो। इसलिए कि आपको सिलेंडर मिला है? हाँ, सिलेंडर और बहुत कुछ, मतलब सही है हिसाब। अच्छा, मोदी जी वाला हेल्थ कार्ड है आपके पास? नहीं है, हेल्थ कार्ड नहीं है। मोहम्मद शानू, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त, दिखाई जरा एक पीस। ये इससे आप क्या कर रहे हैं? रेक माल से घिसाई कर रहे हैं। अच्छा, इसकी पॉलिश कर रहे हैं। हाँ। देखिए, ये भी हैंडल है, हैंडल अलग अलग साइज की, और हार्डवेयर का सारा काम हो रहा है। दिन भर में कितना कमा लेते हैं साहब? यही कोई 300-350 रुपये पर डे के हिसाब से। तो गुजारा हो जाता है इसमें? नहीं, यही खर्चे चल पा रहा है अभी तो। कौन जीत रहा है आपके शहर से? लग तो बीजेपी की उम्मीद रही है, क्योंकि सारे काम अच्छे हो रहे हैं इस टाइम। लोग तो कह रहे हैं कि गठबंधन जीतेगी, मुसलमानों का वोट गठबंधन को जाएगा। अरे, ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन तो ठगबंधन है, वो कुछ नहीं गठबंधन है। ये जो सुविधा देगा वो वोट लेगा। मोदी जी ने मुसलमानों को सुविधा दी है? ये बहुत सारी सुविधाएं दी है। सुविधा मिली आपको? ये कैश कनेक्शन है। और गैस कनेक्शन आपको मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला, मेरे यहाँ मोहल्ले में कई लोगों को मिला है। अच्छा। और तुम्हारे बिजली के कनेक्शन मिले हैं मोहल्ले में लोगों को मिला, इसलिए आप भी वोट करेंगे? ये हाथ में क्या हो गया आपके? सपोर्ट के लिए लगा रखी, गर्म हो जाता है ना, ये पीस गर्म हो जाता है, इसलिए लगा रखा है। चलिए, इस फैक्ट्री में हार्डवेयर के काम का काम हो रहा है, हार्डवेयर के अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, और ये जो मजदूर तबका है इनको मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत खुश हैं वो उनके काम से, और ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ से बीजेपी ही सीट निकालेगी। जब 1992 में कल्याण सिंह की सरकार थी तब यहाँ एक ताला नगरी बसाई गई थी। क्या 27 साल में हालात बदले, और बदले तो कितने, ये जवाब भी हमें मिला। देखिए, अलीगढ़ का ये ताला जो दुनिया भर में मशहूर है, इसे पैड लॉक कहा जाता है यहाँ पे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान इसे चेक कर रहे हैं, तीनों चाबियां एक साथ करके फिर इसकी पैकिंग का काम कर रहे हैं। रिजवान, दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? दिन भर में मतलब 350 काम हो जाता है। 350। और क्या 12 मास काम मिलता है? जी, 12 मास काम मिलता है। अच्छा, यानी काम अच्छा चल रहा है? जी, बहुत बेटर है। ठीक है, तो अच्छा, अब वोट देने का मौसम है तो रिजवान, कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हमारा वोट तो हमारा से मोदी को ज्यादा है, मोदी साहब के लिए। क्या किया उन्होंने आपके लिए? नहीं, बहुत कुछ किया है देश के लिए माशाल्लाह तो उन्होंने। और जी हाँ, जीएसटी भी, जीएसटी को लेकर के बहुत सारे कारोबारी परेशान हैं। नहीं, परेशान भी तो थे, मतलब आगे चल मोदी जी ने सुविधा के लिए करी कहा था। आपका हेल्थ कार्ड बन गया मोदी जी वाला? नहीं, मेरा नहीं बना। अच्छा, तो क्या फ्री गैस सिलेंडर आपको मिला है? जी हाँ, 20 सिलेंडर मिला है। अच्छा, फ्री गैस सिलेंडर? जी हाँ जी हाँ। इसलिए आप मोदी जी को वोट करेंगे? जी जी जी। चलिए, खैर, ये काम आपका अच्छा चल रहा है, गुजारा हो जाता है इसमें? जी जी जी, हो जाता है।
1991 के राम लहर में जीत के बाद अलीगढ़ बीजेपी की नई प्रयोगशाला बना। यहाँ हर ताले की चाबी बनती है, तो क्या सत्ता की चाबी भी अलीगढ़ के मुसलमानों ने बना ली है? फैक्ट्री के इस हिस्से में देखिए, यहाँ पर पैडलॉक की चाबियाँ बनाई जा रही हैं। बाबर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर चाबियों पर ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम, ये आप चाबियों पर ब्रांडिंग कर रहे हैं जी, है ना? नंबर्स वगैरह डाल रहे हैं। कितना कमा लेते हैं सद्दाम दिन भर में? 300 रुपए जी। अच्छा, आप जब चुनाव का टाइम है तो वोट देने का मन बना लिया है? कौन जीत रहा है जी? कोई भी जीते हो उसमें क्या? अरे आप वोट करेंगे ना? किस मौजूदा सांसद जो हैं आपके जी, उन्होंने काम किया आपके लिए? उन्होंने करा, बीजेपी सरकार ने किया है जी। तो लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट गठबंधन को जाएगा। अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा तो वोट आया नहीं है आज तक। अच्छा, वोट नहीं है अभी? चलिए, वोट जल्दी आ जाएगा। खैर, ये ठीक ठाक काम चल रहा है जी? बढ़िया। ये चाबियां ही बनाते हो, कुछ और भी करते हो? सारे काम कर लेता हूँ। सारे काम करते हो, ठीक है। अलीगढ़ लोकसभा की पांचों विधानसभा सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। लोकसभा चुनाव में यहां के मुस्लिम वोट कितने बटे हैं, ये जानने हम बाजार की तरफ निकले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 25 से 30 हजार छात्र पढ़ते हैं। अब इतने बच्चे जहां होंगे वहां पर बहुत सारा रोजगार भी होगा, तो एक रोजगार शेरवानी बनाने का भी है। ये आप शेरवानी देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शेरवानी पहने हुए आपको छात्र नजर आएंगे। एक टेलरिंग शॉप में इस वक्त हम है। चचा, आपका नाम क्या है? आबिद अली। चचा, कितना कमा लेते हैं रोजाना आप? कमाने का तो मामला इस वक्त सही नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ अब चुनाव होने वाले हैं, तो कौन जीत कौन रहा आप? बेहतर यार, अभी मुझे पता नहीं इस मामले में। आबिद अली साहब ने भी तय नहीं किया? नहीं, अभी नहीं। नूर अहमद साहब, आप क्या करते हैं? यही काम करता हूँ मैं। अच्छा, खत्म कर दिया। आप काम आज का खत्म हो गया? हाँ, कर दिया। कितनी दिहाड़ी आज की बनी आपकी? काम अभी बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। बच्चे नहीं है क्या आजकल? बच्चे ने काम तो कई खास से बेकार चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा है इस टाइम, बहुत ही ज्यादा अड्डे में। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा, क्या है अभी देख रहे हैं, गठबंधन को देख रहे हैं या मतलब कांग्रेस देखें, कांग्रेस को देखेंगे या फिर गठबंधन कांग्रेस में से किसी एक पर फैसला करेंगे। अलीगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय है, मुद्दे कई हैं, कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा ये वोटिंग के दिन ही पता चलेगा। एएमयू पर अलीगढ़ का मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी नाज करता है, और दुनिया भर में बसने वाले भारतीय मुसलमान अपनी इस विरासत पर फख्र करते हैं। लेकिन पिछले वक्त में एएमयू के साथ जिस तरह से विवाद जुड़े उसको लेकर मुसलमानों में काफी नाराजगी है। अलीगढ़ के मुसलमानों की जुबान पर गठबंधन का नाम तो जरूर है, लेकिन वक्त बताएगा कि यहां के मुसलमानों का वोट किसके खाते में गया है। लेकिन एएमयू को लेकर जुड़े विवाद की वजह से लोगों की नाराजगी के बाद एक बात हर तरफ सुनाई दी, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। इस बार जैसे कि गजाला कह रही थी कि कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में ये इंस्टीट्यूशन खटक रहा है, तो वो कौन लोग हैं और इस बार क्या उनके खिलाफ अलीगढ़ वोट करेगा? सर, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये राजनीति है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं है कि कब कौन किसको वोट डालने वाला है। यहाँ एक बोर्ड इस तरफ लेफ्ट में लगा नजर आ रहा, बाबर दिखाएंगे, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद के ठीक पहले इस ये जो दिख रहा है हमें, इसका क्या मतलब है? सर, ये तो एक तरह का प्रचार किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पर आतंकवादियों को लिख करके क्या कोई मैसेज भी दे रहे हैं क्या? सर, हो सकता है गवर्नमेंट देना चाह रही हो मैसेज, गवर्नमेंट ये भी बताना चाह रही हो कि भाई हमें वोट करो, एएमयू के आगे लगाया है वोट। हम इस चीजों को रिलेट नहीं कर सकते, हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो। गिरीश, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी अलीगढ़ के। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? बीजेपी ही जीतेगी इस बार भी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं डॉक्टर अजीत बालियान निकाल ले जाएंगे। देखिए, कह नहीं सकते, लेकिन ये अलीगढ़ जो है वो बीजेपी का गढ़ है, तो मैं तो यही मानूंगा कि बीजेपी ही जीतेगी। आप कहाँ की हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ की हैं, तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा गजाला? मेरे ख्याल से मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ एग्जैक्टली कि कौन जीतेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जनता को, बेसिकली यूथ को, बहुत टैक्टिकल वोटिंग करनी चाहिए। तो अलीगढ़ आमतौर से जो विवाद एमयू को लेकर के हुआ उसको लेकर के सतीश गौतम से नाराज है? बिल्कुल नाराज है। गिरीश, विकास कैसा हुआ है? बस आखिरी सर, विकास बहुत अच्छा हुआ है इस समय। मैं तो ये देखना, ये देखा, मतलब आप कह रहे हैं कि सतीश गौतम ने काफी काम किया? जी, सतीश गौतम ने भी काम, कुछ और नहीं, सतीश गौतम ने भी काम किया है और बीजेपी ने ज्यादा काम किया है। भावना, ये बताएं कि पिछले वक्त में जिन्ना का नाम भी बहुत उछाला गया, तो एक फोटो यहाँ लगी हुई है उसको लेकर के सारी बातें हुई, आपको लगता है कि गैर जरूरी विवाद था, इसकी कोई जरूरत नहीं है? हाँ, ये गैर जरूरी तो नहीं कह सकते बट हम, लेकिन ये था कि ये जो भी मसला जो हुआ था यहाँ,
वो काफी टाइम तक चला था और इसके बाद काफी इश्यूज भी उठे थे। वैसे पढ़ाई का भी नुकसान हुआ? पढ़ाई का भी नुकसान हुआ था, काफी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली थी यहाँ, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पर काफी इफेक्ट पड़ा था। क्या जिन्ना वाले इश्यू पर जो यहाँ का स्टूडेंट्स है उसमें भी आपस में अलग अलग बिखराव था उस वक्त? बिल्कुल बिखराव तो था मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि ये एक इशू नहीं था। देखिए हम जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, हम गांधी को भी पढ़ेंगे, हम सावरकर को भी पढ़ेंगे, हमारी लाइब्रेरी में गोडसे की लिखी हुई किताब भी होगी, गांधी की लिखी हुई किताब भी होगी, हमारे यहाँ जिन्ना का पोर्ट्रेट भी टंगा हुआ है, हमारे यहाँ गांधी का पोर्ट्रेट भी टंगा हुआ है। तो कोई हमसे बेसिस ये नहीं कह सकता कि आप जिन्ना का पोर्ट्रेट हटाएंगे। जिन्ना का पोर्ट्रेट तो बहुत जगह लगा हुआ है हिंदुस्तान में, अगर हटवाना शुरू करें तो आप दिल्ली से शुरू करिए, हम सबसे पहले उतारेंगे। हम किस बेसिस पे उनकी पिक्चर हटा दें जस्ट बिकॉज वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, उस चीज को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग। गिरीश, अक्षय, आदित्य, आप लोगों को लगता है कि जिन्ना की तस्वीर हट जानी चाहिए? सर बिल्कुल हट जानी चाहिए, हमें लगता है हट जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हटनी चाहिए। हम यही दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, आप कामयाब हों, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें और यहाँ पर जो आप लोगों के बीच भाईचारगी है वो ऐसे ही बनी रहे। तो ये है एमयू की असल तस्वीर जो हमने आपको दिखाई। वसीम, कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से गठबंधन जीत रही है। मेरा नाम मोहम्मद सोले खान है। अच्छा, तो आपके यहाँ से इस बार सोले अलीगढ़ से, क्या कोई कंफ्यूजन है मुसलमानों को या मुसलमान बिल्कुल क्लियर है कि उसे किसे वोट? नहीं, मुसलमानों का तो अब तो और ज्यादा क्लियर हो गया है, क्योंकि मुसलमानों ने अब जो 5 साल में मोदी गवर्नमेंट ने किया है उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम मुसलमानों ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन अब खुल के उसको सपोर्ट नहीं करना है। अब हम चाय के ढाबे पे, तो जरा चाय बनाने वाले साहब से ही बात कर लीजिए। क्या नाम है आपका? अबरार। जीत कौन रहा आपके शहर से इस बार? इस बार तो कांग्रेस का चांसेस है। अच्छा, चौधरी विजेंद्र सिंह जीत रहे हैं? हाँ, वही हाथ मार। बहुत सारे आपके भाई लोग कह रहे हैं कि गठबंधन जीतेगा यहाँ से? हो सकता है, जैसे चांसेस होने के बनने हमारे हिसाब से। आपका नाम क्या है? नाजिम। जीत कौन रहा आपके यहाँ से? वही चौधरी विजेंद्र सिंह का है। और अजीत बालियान का क्या होगा फिर? अजीत बालियान का कोई जानता भी नहीं है। ये जानना, कमरुद्दीन दिन भर में कितना कमा लेते हैं? कमरुद्दीन 4-5 करोड़ 400-500 रुपए। अच्छा, कैसा काम चल रहा है? साल भर में 12 मास काम मिल जाता है? हाँ, अच्छा, अब जब वोट देने का मौसम आ गया है तो कमरुद्दीन कैसे वोट करेंगे जाकर? कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? मोदी। मोदी जीत रहे हैं? अच्छा, लोग तो कह रहे हैं गठबंधन से अजीत बालियान है वो जीतेंगे। कोई गठबंधन नहीं है। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? ये बीजेपी निकल रही है हमारी। जीत रहे हैं आपके यहाँ से? जीत रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए, आप जिस काम को कर रहे हैं इसमें डस्ट बहुत उड़ रही है, ये सब मेटल की डस्ट है, ये सांस के जरिए आपके फेफड़ों में जाती है, तो मोदी जी वाला हेल्थ कार्ड बना है आपका? हाँ, बन चुका। हेल्थ कार्ड बन गया? हाँ, बन गया। उसका कोई फायदा मिला अभी तक? बहुत लोगों ने उसका बहुत फायदा मिला हमें। गेम बनाएगा नेम की तर्ज पर मोदी के काम का डंका तो बज रहा है, लेकिन इससे वोट मिलेंगे क्या? जब चुनाव का मौसम है तो वोट अभी देने का मन बना लिया होगा। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? जी, हमारे यहाँ से यूपी से तो बीजेपी है, मोदी जी है। भूल पे ही लोग तो कहते हैं कि मुसलमान मोदी जी को वोट नहीं करते। हाँ, ऐसा होता है, कुछ लोग नहीं डालते, कुछ डालते हैं, मगर हम तो डालेंगे। ऐसा क्या मिला आपको? नहीं, आपके जो है, आपके मोदी जी आए हैं तो बहुत सुविधा मिली है आपके। क्या मिला आपको ऐसा? गैस मिली है, लाइट मिली है। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिला आपको? जी, इनको मिली है गैस। आप अपनी बात बताइए। मुझे नहीं मिला, मगर यह फिर भी बहुत चीज। फिर भी आप खुश हैं? हाँ। कौन जीत रहा है अलीगढ़ में? देखो, हमें जीतने, हमें तो ये है कि बीजेपी की उम्मीद है हमें तो, इसलिए कि आपको सिलेंडर मिला है। हाँ, सिलेंडर और बहुत कुछ, मतलब सही है हिसाब। अच्छा, मोदी जी वाला हेल्थ कार्ड है आपके पास? नहीं है, हेल्थ कार्ड नहीं है। मोहम्मद शानू, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? दिखाई जरा एक पीस, ये इससे आप क्या कर रहे हैं? रेक माल से घिसाई कर रहे हैं। अच्छा, इसकी पॉलिश कर रहे हैं। देखिए, ये भी हैंडल है, हैंडल अलग अलग साइज की, और हार्डवेयर का सारा काम हो रहा है। दिन भर में कितना कमा लेते हैं साहब? यही कोई 300-350 रुपए पर डे के हिसाब से। तो गुजारा हो जाता है इसमें? नहीं, यही खर्चा ही चल पा रहा है अभी तो। कौन जीत रहा है आपके शहर से? लग तो बीजेपी की उम्मीद रही है, क्योंकि सारे काम अच्छे हो रहे हैं इस टाइम। लोग तो कह रहे हैं कि गठबंधन जीतेगी, मुसलमानों का वोट गठबंधन को जाएगा। अरे, ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन तो ठगबंधन है, वो कुछ नहीं गठबंधन है। ये जो सुविधा देगा वो वोट लेगा। मोदी जी ने मुसलमानों को सुविधा दी है? ये बहुत सारी सुविधाएं दी है। सुविधा मिली आपको? गैस कनेक्शन है,
और गैस कनेक्शन आपको मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला, मेरे मेरे यहाँ मोहल्ले में कई लोगों को मिला है। अच्छा। और तुम्हारे बिजली के कनेक्शन मिले हैं मोहल्ले में लोगों को मिला है, इसलिए आप भी वोट करेंगे? ये हाथ में क्या हो गया आपके? कुछ नहीं हुआ, सपोर्ट के लिए लगा के, गर्म हो जाता है ना ये, पीस गर्म हो जाता है इसलिए लगा रखा है। चलिए, इस फैक्ट्री में हार्डवेयर के काम का काम हो रहा है, हार्डवेयर के अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, और ये जो मजदूर तबका है इनको मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत खुश हैं वो उनके काम से, और ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ से बीजेपी ही सीट निकालेगी। जब 1992 में कल्याण सिंह की सरकार थी तब यहाँ एक ताला नगरी बसाई गई थी। क्या 27 साल में हालात बदले, और बदले तो कितने, ये जवाब भी हमें मिला। देखिए, अलीगढ़ का ये ताला जो दुनिया भर में मशहूर है, इसे पैड लॉक कहा जाता है। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान इसे चेक कर रहे हैं, तीनों चाबियां एक साथ करके फिर इसकी पैकिंग का काम कर रहे हैं। रिजवान, दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? दिन भर में मतलब 350 काम हो जाता है। 350। और क्या 12 मास काम मिलता है? जी, 12 मास काम मिलता है। अच्छा, यानी काम अच्छा चल रहा है। जी, बहुत बेटर है। तो अच्छा, वोट देने का मौसम है, तो रिजवान कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हमारा वोट तो हमारा से मोदी को ज्यादा है, मोदी साहब के लिए। क्या किया उन्होंने आपके लिए? नहीं, बहुत कुछ किया है देश के लिए माशाल्लाह तो उन्होंने। और जी हाँ, जीएसटी भी, जीएसटी को लेकर के बहुत सारे कारोबारी परेशान है। नहीं, परेशान भी तो थे, मतलब आगे चल मोदी जी ने सुविधा के लिए करी कहा था। आपका हेल्थ कार्ड बन गया मोदी जी वाला? नहीं, मेरा नहीं बना। अच्छा, तो क्या फ्री गैस सिलेंडर आपको मिला है? जी हाँ, 20 सिलेंडर मिला है। अच्छा, फ्री गैस सिलेंडर? जी हाँ जी हाँ, इसलिए आप मोदी जी को वोट करेंगे? जी जी जी। चलिए, खैर, ये काम आपका अच्छा चल रहा है, गुजारा हो जाता है इसमें? जी जी जी, हो जाता है। मोदी जी को बड़े आदमी है, क्या कर दिया उन्होंने? सारे किसानों को पैसा मिला, 6,000 रुपए भी मिले किसानों को। अच्छा जी, तब काटते हो। मोहम्मद अफजाल, कहाँ के रहने वाले? शेखपुरा कदीम। शेखपुरा कदीम? शेखपुरा कदीम, पेपर मिल की जी, जी जी जी। अच्छा, वहाँ से है जी। तो क्या विकास किया कुछ या नहीं हुआ उधर? सारे विकास हो रहे जी। कहा जा रहा, सड़कें नहीं बनी जी? नहीं, सड़कें बननी, काम भी चल रहे और अब भी। अच्छा, विकास हुआ है जी। एक छोटा सा सवाल है, अगर जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या होगा? देश का नाश करेगा। और मायावती? मायावती भी मोदी जी बनेंगे फिर प्रधानमंत्री। क्यों है जी? काम अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, पर कहा गया जी, 3 तलाक का मुद्दा उठ गया जी। जी जी, वो भी अच्छा करा काम। सही किया जी, गलत तो नहीं किया? नहीं। और जी, राम मंदिर भी बनना, उसके ऊपर क्या कहोगे? राम मंदिर भी बनेगा। अच्छा, बनेगा जी? कब तक बनेगा? जब सरकार को, जब उसका फैसला आ जाएगा कोर्ट का, कोर्ट के फैसले पे जी, सब उसकी सहमति से होगा। अच्छा, चौकीदार चोर तो नहीं है? नहीं 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 हो? अरे ना, कुछ तो होगा। अच्छा, मन की बात बताओ, किसे वोट दिया जाएगा? बीजेपी को। पक्का? पक्का बिल्कुल। अच्छा, 80 में से कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गठबंधन हो गया थोड़ा सा, सर की पढ़ाई? जी जी, कम से कम 75 सीटें होंगी। 75 जी, यानी कि 73 से ऊपर ही रहेगा? जी जी, नीचे नहीं जाने का। 5 साल के अंदर इतना काम किया है, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। हमारी ख्वाहिश है आने वाले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और यहाँ के संसद डॉक्टर महेश रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सोचा है, और उनको सर उठाने की जिंदगी जी के अच्छी, मतलब कि एक कहना चाहिए इज्जतदार जिंदगी जीने का उन्होंने उनको हौसला दिया है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा लेते हैं, बहुत सी सरकारें आई, बड़े बड़े वादे करते हैं, पर किसी ने भी, खासकर मुस्लिम, हिम्मत नहीं दिखाई। जो नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई है, किसी ने करा ही नहीं है हिम्मत दिखाने, तो बहुत सोचा तक भी नहीं है करने के लिए। सब कुछ 3 तलाक का मुद्दा ऐसा था जिसके अंदर तमाम उलेमाएं आकर के, कांग्रेस जो है हमेशा जो है तुष्टिकरण की नीति अपनाती रही है, डरती रही है, इस तरह की बात होती है। डरती नहीं, उसको तो सिर्फ पैसा बटोरने का काम था, वो तो सोच, उसको सोचने का टाइम नहीं था, वो तो ये सोचती थी कि हम लोग अपना कैसे बैंक अकाउंट भरे, कैसे अपना खजाना भरे, सोचना ही था, खासकर मुसलमानों के लिए सोचना ही था। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान औरतों के लिए सोचा, 3 तलाक जैसी कुप्रथा से उनको बचाया है, और एजुकेशन के लिए जैसे प्रेरित किया है कि जितने भी हैं सब मुसलमान एजुकेट हों। ये जो 3 तलाक का मुद्दे को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मजहब में 3 तलाक है ही नहीं, पर हमारे जो उलमाए लोग हैं वो ये बताना ही नहीं चाहते थे। वो कंफ्यूजन पैदा करके एजुकेशन की जो उसकी वजह से, जो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन की कमी है उसी की वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट होता था। वैसे मैं एक प्रोफेसर हूँ,
और मैं दीनी तालीम भी रखती हूँ, मैं हिंदी में पीएचडी किए हुए हूँ, तो इसलिए कि मुझे सारी नॉलेज है, तो मैं वही चीज अपनी बहनों को बताया जिससे मेरा समाज मेरे साथ में जुड़ा, उन्हें बताया कि तीन तलाक का मुद्दा जो है ये कोई इशू नहीं है, और एक बार तीन तलाक कहने से तीन तलाक नहीं होती है। तो सबसे सराहनीय काम तो यही है कि मुसलमान महिलाओं को इज्जत दिलाना, जो मतलब कि तलाक होने के बाद किसी को ये नहीं पता था वो किस रास्ते पे जाएंगी, कैसे अपने बच्चों को पालेंगी, कैसे करेंगी, एक गंदगी में ही जाना था महिलाओं को, खासकर महिलाओं को। तो मतलब ये आपकी बातों से ये समझा जाए कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो मुस्लिम समाज में महिलाओं को एक सम्मान और एक उच्च इज्जत मिली है। सबसे बड़ी मैं कहूंगी कि इज्जत मिली है, सर उठा के जीने की जिनको सलीका आया है, तरीका आया है, अब वो सर उठा के कह सकती है कि भाई मेरी तलाक नहीं हुई है और ये घर तो मेरा है। मतलब कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, एजुकेशन में भी वो लोग आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जैसे कि एक वो डर भय था कि नहीं पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, भाई गंदगी होती है, उसका मैं जीता जाता प्रूफ हूँ। मतलब इज्जत मुझे बीजेपी में मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसी नीतियां लाई हैं जो एक बड़े कैनवास में बदला आया और जिसपे जो है सभी को चलने का, मुस्लिम समाज को चलने का मौका मिला है, खासकर महिलाओं को। मैं कहूंगी कि उनके जो एक सुरक्षा घेरा, जो एक सुरक्षा कवच उन्होंने घेरा है, अब किसी जैसे कि हमारे जो हमारे ये थे कहना चाहिए हमारे राष्ट्र सॉरी हमारे ये राष्ट्रपति बहुत सॉरी नहीं 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 हमारे योगी जी, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जैसे कि वो ये ऑर्डर जो उन्होंने लगा दिया था कि कोई भी लड़का लड़की को नहीं छेड़ सकता है, उन्होंने जिस तरह से शुरू से ही आते साथ कसना शुरू कर दिया था कमाल लड़का लड़कियों पे, तो इस तरीके से बहुत सराहनीय काम था। उन्होंने जो ये गोश्त काटने वाला था तो उसके अंदर ये था कि किस तरह से वो सब हलाल हराम काम को उन्होंने बताया है, उन्होंने सब एक बार तो इश्यू बनता है किसी अच्छा काम करने परेशानी होती है। इस तरह की बातें जो है दूसरे विपक्षी पार्टियां या दूसरे लोग उठाते हैं कि मुस्लिम जो है डरे हुए हैं या मुस्लिम जो है सामे हुए हैं, इनका काम नहीं हो रहा है, आप इस नजरिए में कैसे? नहीं नहीं, मैं तो वो खुद डरे हुए हैं, दरअसल वो तो मुसलमानों को इशू बना रहे हैं, वो खुद डरे हुए हैं। दरअसल मोदी जी ने इतने 5 सालों में इतना काम कर दिया है कि वो कहना चाहिए ना कि गठबंधन कर लिया है, आपको गठबंधन की क्या जरूरत थी, एक शेर काफी है। इसलिए आप डरे हुए हो, इसलिए मुसलमान को डरा रहे हैं, उन्हें बताया कि वोट बैंक मुसलमान है, फिर बेवकूफ बनाएंगे, फिर उन्हें अपनी तरफ रिझाएंगे, फिर मुसलमान उधर आ जाएगा। पर अब मुझे नहीं लगता कि मुसलमान बेवकूफ है, वो समझ चुका है, जाग चुका है, वो अपना सारा वोट बीजेपी की तरफ ही जाएगा। यही मेरी मोदी जी की शुभकामनाएं हैं। सन 2014 में भाजपा की सरकार आई, सरकार आते ही मोदी जी ने जो फैसले लिए मुसलमानों के लिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, रोजगार क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, देश के क्षेत्र में हो, ये काम जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई मोदी जी ने आते ही बैठे ही कर दिया। ये जो बीजेपी हमारे 5 साल में जो हम लोगों ने देख लिया है, हम लोगों ने जो देखा है, वजह से बहुत अच्छा गवर्नमेंट मिल रहा है और बहुत ठीक लग रहा है। ये मुझे भी लगना चाहिए इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और आगे 5 साल आने वाले 5 सालों में सारे मुस्लिम समाज के सारे हर बहुत ही इसके अच्छा। मतलब कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिमों के लिए जो 5 साल का जो कार्यकाल उनका अभी जो रहा है उसमें बेहतरीन काम, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा है 5 सालों, बहुत अच्छा रहा है। हम तो भाजपा को ही वोट देंगे और हमारे सारे भाई जितने जुड़े हुए सब भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं और उनको ही वोट देंगे। मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कह सकता हूँ कि मुसलमान जाग चुका है, मुसलमानों को पता लग गया है कि अब से पहले जो सरकार थी 130,000 125,000 हाजी जाते थे, उनके साथ जिनके शौहर खत्म हो गए थे वो हज को अकेली जा नहीं सकती थी, लेकिन आज कोटा बढ़ते बढ़ते यानी इतना बढ़ चुका है, हर साल बढ़ाया गया, अब इतना बढ़ चुका है कि पहले 1,45,000 हुआ, फिर 1,65,000 हुआ, अब 1,75,000 हो गया है, अब 5,000 और बढ़ा दिए गए हैं, अब लगभग 1,80,000 आदमी हमारे इंडिया का हज के लिए जा सकता है। दूसरी बात, पानी के जहाज की व्यवस्था भी की जा रही है जो सस्ते में हज हो जाएगा। तीसरी बात कि हमारी जो गैर महरम बहनें और माँ बहनें थी वो भी हज के लिए जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि जो बिना हज करे ही हसरत लिए अपने सीने में मर जाता था, आज वो हज करने के लिए जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा तो मजहब पहले से ये कहता है कि बेटी की कोई हत्या ना करे, किसी बच्चे की कोई हत्या ना करे, कोई गर्भपात ना कराए। ये चीज मोदी जी ने लागू करी है। हम ये कहते हैं कि हमारी माता और बहनें, हमारी माँ बहनों की जो इज्जत थी तीन बार में कहके और उनको जो बेआबरू कर दिया जाता था तलाक के बारे में बेआबरू कर दिया जाता था, उनकी जिंदगी चंद सेकंडों में खत्म कर दी जाती थी, आज वो
हक के साथ कह सकती हैं कि मुझे तलाक नहीं दे सकता, मेरा 3 बार में तलाक नहीं हो सकता। उन्होंने मदरसे जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की दिशा तय की, वैज्ञानिक सोच पैदा की, और आपको लगता है इन 5 सालों में मुस्लिमों का ज्यादा विकास हुआ? मुस्लिमों का बहुत ज्यादा विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास किया, और आज मुसलमान पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, शिक्षा में आगे बढ़ चुका है। आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे APJ अब्दुल कलाम पैदा होंगे, बहुत सारे पायलट पैदा होंगे, बहुत सारे इंजीनियर बनेंगे। मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान डॉक्टर इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने कोई सफाई पर ध्यान नहीं दिया। केवल क्या किया, सब कहते थे, कांग्रेस कहती थी, सपा बसपा कहती थी, मोदी रोको। लेकिन अभी जो है कई विपक्षी पार्टियों का ना है या कई लोगों का सोचना ये भी है कि गठबंधन जो है काफी जो है वोट खींच रहा है और मुस्लिम जो है उधर जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। गठबंधन पे कोई मुसलमान नहीं जाएगा, मुसलमान जागरूक हो चुका है, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये कहते हैं मोदी रोको, मुसलमान भाइयों सपा बसपा जो है अमूर्ख नहीं बना पाएगी, मुसलमान नहीं बना पाएगी। बहुत छल लिया 60-65 साल कांग्रेस ने और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने खूब छल लिया, मुल्ला मुलायम बन के बैठ गए, लेकिन कहीं कोई मुल्ला दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं कि मुल्ला मुलायम अगर बनते हैं तो मुसलमानों के लिए क्या किया आपने? नरेंद्र मोदी ने जो किया मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? मैं कहता हूँ कि मोदी रोको कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार रोको, मोदी कहते हैं भ्रूण हत्या रोको, मोदी कहते हैं कुप्रथा 3 तलाक रोको, मोदी कहते हैं बेरोजगारी रोको, ये इनके शब्दों पे नहीं आता, इनके मुंह पे कभी ये नहीं आया। कई बार ये बात कही जाती है कि मुसलमान जो है डरा हुआ है, इनका काम नहीं हो रहा है, क्या आपको लगता है इस तरह की बातें जो आप कह रहे हैं? मुसलमानों को जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है उनको डराने का भी यही काम करते हैं, सपा बसपा का काम यही है कि मुसलमानों को डराओ, इनको डरा के ही वोट मिल सकता है, इनको किसी तरीके से डराओ, जब भाजपा आएगी आपको खा जाएगी, आपको काट देगी, आपको मार देगी। आज केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा है और मुसलमान सर उठा के जी रहा है, और मुसलमान सर उठा के रोजगार की तरफ जा रहा है, मुसलमान सर उठा के अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहा है। मुसलमान हक के साथ कह सकता है कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है। ये तो जो अन्याय किया था ये कांग्रेस ने किया था, सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में किया था, ठगबंधन बना के अब फिर ठगना चाहते हैं। अब मुसलमान ठगाई में आने वाला नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही अच्छे आदमी है, विकास कर भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो गठबंधन नहीं केंद्र में भी है और राज्य में राज्य में भी यूपी में भी हो रहा है और केंद्र में भी हो रहा है, और हमारे योगी जी आए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और ये जो बनी है गठबंधन ये हमारे हिसाब से लठबंधन है, गठबंधन नहीं है। ये सब ग्रुप बनाने वाले मुसलमान को ग्रुप बना रहे हैं।